तो जब भी मैंने ये बताया कि कैलकुलेशन के अंदर हमें पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर हमने इस स्टेप के अंदर एलसीएम लेना है या नहीं लेना। देखे ना, आपको अलार्म तो नहीं होता ना उधर स्टेप के अंदर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करके। आपने ये देखना है कि किसी स्टेप में पता कैसे चले एलसीएम हमने लेना है या नहीं। तो मैंने बताया कि जब पूरे पूरे नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए तो वो तो हम डायरेक्ट कर लेते, लेकिन जब कभी फ्रैक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए उस वक्त हमें एलसीएम लेना। अब फ्रैक्शन आप ऑलरेडी ही जानते हैं, फ्रैक्शन तो मैंने बताया था कि फ्रैक्शन आप किसको कहते हो, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर्स होने आपका। मैं कहता हूं कि 1/2 + 3/4 क्या ये दोनों फ्रैक्शंस हैं? yes, तो हमने तो ये कहा है कि एलसीएम का हमें पता ही तब चलता है जब किसी स्टेप में आपके पास फ्रैक्शन ऐड हो गया और सब्ट्रैक्ट हो गया। तो फ्रैक्शन ऐड हो गया आ लेंगे एलसीएम इसका। तो इसके एलसीएम लेने के लिए आपको मैं छोटी क्लासों वाला जरा रिकॉल कराऊं। तो आप छोटी क्लासों में पढ़ते थे, आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया करते थे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया करते थे। तो आपके पास डिनोमिनेटर्स तो ये, तो इनका एलसीएम लेना वो मैं सीढ़ी वाला तरीका आपको याद कराऊंगा जो करते आ रहे आप छोटी क्लास में। 2 है 4 है इसका एलसीएम है, तो इसको डिवाइड कर ले आप, 1/2 आ जाएगा। तो ये सारे आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास एलसीएम आता, तो एलसीएम आया 4। अब आप ये करते थे, जो एलसीएम आता था उसको आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करते थे, जो जवाब आता था उस पर मल्टीप्लाई करते थे, यही करते थे। ये देखें जिनका मैथ का बैकग्राउंड है उनको तो ये चीजें पता है, उनको तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि मैं पिछले 9-10 साल से इधर पढ़ा रहा हूँ कि जब किसी फ्रैक्शन वाली बात कहीं आ जाती है किसी स्टेप में तो एलसीएम लेना पड़ जाए। लोगों से एलसीएम नहीं लिया जा रहा होगा आर्ट्स वालों से या बायो वालों से, ये तब बता रहा हूँ, बात समझ रहे हैं। किसी भी टॉपिक के अंदर जनरल बातें आप पढ़ रहे हैं, यानी मैथ का जो सा भी टॉपिक पढ़े उसके अंदर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के अंदर ये स्टेप्स यूज हो रहे होंगे, तब बता रहा हूँ। वो छोटी छोटी मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर, टॉपिक में तो अभी हम गए नहीं, ठीक है। तो ये जो 4 आया ये तो एलसीएम है, इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते, जो जवाब है ऊपर मल्टीप्लाई कर। ये सिर्फ आपकी याद दिलाने के लिए लिख रहा हूं और इसका इधर कोई काम नहीं। तो 4 को 4 से डिवाइड करो, 2 आंसर, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई, 2 × 1 = 2। बीच में प्लस हो या माइनस एज इट इज लिख दे, इधर फिर 4 को 4 से डिवाइड करो, जो जवाब है ऊपर मल्टीप्लाई, तो 4 को 4 से डिवाइड 1 आंसर, ऊपर मल्टीप्लाई 1 × 3 इज 2 + 3 = 5, 5 = 4। ठीक हो गए, बात समझ में। पीछे वाले लोगों को प्रॉपर आवाज पहुंच रही है भाई, गला मेरा खराब है तो इस तरह ना आपको आवाज पहुंच रही है तो फायदा ना हो क्लास का। हां ये बात एलसीएम लेने के बदले चल गया एलसीएम, जो एलसीएम आया उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर ये है। तो 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 आंसर, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 × 1 = 2, तो प्लस हो या माइनस बीच में ऐड, तो एलसीएम 4 है, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आंसर, तो जवाब आया ऊपर मल्टी। ठीक हो गया जी। तो मैं एक एग्जांपल और देता हूं ताकि आइंदा जोन सा भी टॉपिक आप मैथ का पढ़ रहे हो किसी जगह कैलकुलेशन के अंदर एलसीएम की जरूरत पड़ जाए तो आपको आता हो वहां रोक के ये ना सोचते रहेंगे आप फ्रैक्शन आ गई है तो अगले स्टेप में मैं कैसे जाऊं। तो आपको पता हो यार कैसे अगले स्टेप में पहुंचना है, एलसीएम लेंगे 4 हम अगले स्टेप में। ठीक हो गया जी। ताकि ये किसी भी टॉपिक के अंदर कैलकुलेशन में हम रुके हैं ना, ये बेसिक्स तो इसलिए पढ़ा, राइट। तो एक और एग्जांपल ले लें, एग्जांपल इसी की है, इसी पॉइंट पे जो बेसिक्स में पॉइंट नंबर 6 चल रहा है इसी में एक और एग्जांपल ले। आप लिख लें 3/13 - 2/13, देखें फ्रैक्शंस आ गई हैं फिर सब्ट्रैक्ट हो गए। तो मैंने तो ये कहा था कि जब फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो गया है तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है, तो ये बात पड़ती है तो ले फिर एलसीएम इधर, और नीचे जब सेम हो डिनोमिनेटर तो डायरेक्ट ही एलसीएम लिख दो। जो एलसीएम आया है इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते थे, जो जवाब आता था ऊपर मल्टीप्लाई करते थे, यही किया आपने पहले। तो 13 को 13 पे डिवाइड करो 1 आंसर, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो 3, माइनस हो या प्लस बीच में एज इट इज लिख देते
तो 13 को 13 पे डिवाइड करो, फिर 1 आंसर, 1 को पर मल्टीप्लाई, तो 3 - 2 = 1, 1/13। तो ये पॉइंट डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये था, आइंदा जब भी आपके पास कैलकुलेशन में कहीं एलसीएम लेना पड़ जाए, फ्रैक्शन ऐड या सबट्रैक्ट हो के आए, तो आपको पता हो कि एलसीएम लेके मैं फौरन अगले स्टेप में। तो ये बेसिक्स मैंने इसलिए बताया, समझ गए यहां तक?